वैसे तो इस दुनिया में हर कोई बहुत बड़े बड़े शौक रखता है, लेकिन इन सभी शौकों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। दुनिया में कई लोग अपने शौक तो पूरे करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा ही लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं और अपनी दौलत की नुमाइश भी खुलकर करते हैं। ऐसे ही एक रईस हैं ब्रुकलिन के सुल्तान हसरत ब्रुकलिया, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे रईस लोगों में होती है। हसरत ब्रुकलिया सुल्तान तो हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन भी हैं। हसरत को अपनी दौलत दिखाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। वो सोने के प्लेन में घूमते हैं। हसरत ब्रुकलिया सोने से जड़े महल में भी रहते हैं। उनके महल का नाम नूरन पैलेस है। ये महल 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस महल को बनाने में 2,387 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये महल 1984 में बना था। इस महल में 1788 कमरे हैं। इनमें से 257 तो सिर्फ बाथरूम हैं। इस महल का डोर कई सौ कैरेट सोने से ढका हुआ है और रेस में उपयोग होने वाले 700 घोड़ों का अस्तबल भी इस घर में है। सुल्तान के इस महल को बीजिंग के फॉरबिडन पैलेस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है। हसनाल को कारों का बहुत ही ज्यादा शौक है। उनके पास अपनी 7,000 से भी ज्यादा गाड़ियों का काफिला है। इनके पास खुद का एक सोने का प्लेन तक मौजूद है। 2008 में इनकी दौलत 1363 अरब रुपए आकी गई थी, लेकिन इनकी दौलत में तब भी कोई कमी नहीं आई जब दुनिया मंदी की मार झेल रही थी। 1980 तक सुल्तान दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक थे, लेकिन 1990 में यह टाइटल अमेरिका के बिजनेसमैन बिल गेट के पास पहुंच गया। इन सब के बावजूद जब हसरत अपने काफिले को लेकर निकलते हैं तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।